पर आज हमें होमवर्क नहीं मिला, आज अम्मी को मिला है। पता नहीं अम्मी स्पीच कैसी लिखेंगी, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। नहीं नहीं मैं जीतूंगा एंजला, मैं ही जीतूंगा। जी नहीं मैं ही जीतूंगी। अच्छा अच्छा लड़ो मत। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टीचर ने अम्मी को स्पीच लिखने को क्यों कहा है। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। खैर अच्छी बात है ना, हम बच्चे कैसे लिखेंगे। वालेकुम सलाम। ओ इतना थक गया मेरा बेटा। थक गया बेचारा। लो बीबी चीने हो जाओ यार। जी हो जाओ। वालेकुम सलाम। बेटा इतनी थकावट क्या मेरा बेटा। चलो बेटा ऊपर चलो यूनिफॉर्म चेंज कर। अच्छा ना अभी कर लेंगे ना। अम्मी जान चाची जान आज हमें टीचर से एक असाइनमेंट मिली है और वो आप दोनों के लिए है। हमारे लिए? जी। पर कैसी असाइनमेंट? आप लोगों को एक स्पीच लिखनी होगी। टॉपिक होगा बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार। अम्मी जान प्लीज आप अच्छी लिखना। अगर आप अच्छी स्पीच लिखेंगी ना तो आपको मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा और मुझे चाइल्ड ऑफ द ईयर का। ओ अच्छा तो ये बात है। फिर तो ये अवार्ड मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैंने स्कूल में बहुत से स्पीच कॉम्पिटिशन जीते हैं। अम्मी हाँ हाँ तो क्या हुआ? थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है पर लिख लूंगी मैं। भाई अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो मैं आप लोगों की मदद कर दूंगी। लिख कर नहीं दे सकती, जुबानी तो बता सकती हूँ कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। नहीं ये तो चीटिंग होगी बुआ। हाँ ये बात तो है, आप लोग खुद ही लिखें भाई। हाँ ये तो ठीक है, हम खुद ही लिख लेंगे ना, है ना सदा? जी जी भाभी बिल्कुल। चलो आयमा बेटा ऊपर चलो। फिर कह रही हूँ ये सरासर चीटिंग है। भाई कैसी चीटिंग? अपनी बेटी से लिखवाने में भला कोई चीटिंग होती है? चलो शाबाश। तो फिर आपने चची के सामने क्यों कहा कि आप बहुत अच्छा लिख सकती हैं? ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप की हर बात को पकड़ के ही बैठ जाते हैं। मैं लिखती थी बहुत अच्छा बट अब थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ ना। चलो शाबाश, इतना टाइम नहीं है, फिर सनी को मैंने बोलने की भी प्रैक्टिस करवानी है। लिखो। ठीक है अम्मी, बताएं क्या लिखूं? अच्छा दिखाओ तुमने क्या लिखा है। इसमें थोड़ा पढ़ाई के बारे में और लिखो, कोई ऐसी बात लिखो जिससे ये पता चले कि मैं बच्चों की पढ़ाई की बहुत फिक्र करती हूँ और कुछ भी हो जाए बच्चों की पढ़ाई मिस नहीं होने देते। ओके अम्मी। अम्मी आपने तकरीर लिख ली? जी बेटा लिखने लगी हूँ। क्यों? काई साहब से पारा पढ़ लिया हमने तो अब स्पीच की प्रैक्टिस करें। ऐसे करो बेटा आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, तब तक मैं ये स्पीच कंप्लीट करके ले आती हूँ। ठीक है? ठीक है अम्मी। अम्मी चीटिंग। भाई कैसी चीटिंग? चलो शाबाश तुम इसको कंप्लीट करो। भर दे जिंदगी में कौसे कजा के रंग और रहे हर मुश्किल में एक दूसरे के संग। सवाल कौन है आइंस्टाइन कौन है न्यूटन, जीनियस है ये इनका है ये ख्याल, कर लेंगे ये पूरे ख्वाब सारे अपने
आसमां के आंगन में जैसे बस है चंदा तारों का साथ अभी। भाई अबू और ताया जान नीचे सबको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं और सनी स्पीच सुनाए। क्या क्यों भाई? अम्मी वो आईमा की बच्ची ने बात शुरू ही की थी कि अबू और अब चाचा जान दोनों टीवी लॉन्च में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अबू को तकरीर कैसे सुनाऊंगा? मैं तकरीर के बीच में अटक जाऊंगा। अम्मी मुझे बचा लें। अम्मी कौन बचाएगा? अम्मी अम्मी मुझे बचा ले, मैंने अब्बू के सामने स्पीच नहीं सुनानी। बेटा आप कुछ नहीं हो सकता, चलो नीचे चलो। सारे आज इकट्ठे हैं, तो सबसे पहले सनी आप अपनी स्पीच का आगाज कीजिए। और ये मिसवा भी लिखी है ना? जी तो मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज की तकरीर का मौजू है बच्चों की तालीम और तरबियत में वालदैन का किरदार। कहते हैं कि मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक मिनट अम्मी, गाड़ी के तो चार पहिए होते हैं। बेटा सनी मेरी बात सुने, गाड़ी के चार पहिए होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये हम मिसाल के तौर पे यूज करते हैं कि मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। मोजेस मेहमान अस्सलाम वालेकुम। वहीं से जहाँ से आपने छोड़ा था। ओके ओके। जी तो मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इन्हीं दो पहियों ने पूरी गाड़ी चलानी होती है। बच्चों की तरबियत में सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का ही होता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत में सबसे ज्यादा अहमियत तालीम को दें। जी हाँ, पढ़ाई बच्चों के लिए सबसे जरूरी है। वालिदैन को अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तालीम पे देनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को शेर की निगाह से देखें कि वो कैसा बढ़ते हैं। खेल कूद में बच्चों का वक्त जाया नहीं होने देना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब।